गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है लॉकडाउन ई पाठशाला बाईटीसी रामगढ़ में। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे वर्ब के बारे में। हम लोग वर्ब के बारे में जब जाने तो हम लोग ये भी पढ़े कि वर्ब का दो टाइप्स है, फिनाइट और नॉन फिनाइट वर्ब। और आज हम लोग फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के टाइप्स के बारे में आगे जानेंगे। फाइनाइट वर्ब्स तीन तरह के होते हैं। पहला है प्रिंसिपल वर्ब, दूसरा है लिंकिंग वर्ब और नंबर थर्ड है एक्सिलरी वर्ब। अब हम लोग जानेंगे कि प्रिंसिपल वर्ब क्या होता है। ए प्रिंसिपल वर्ब इज द वर्ब दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एंड यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शन। इट फंक्शन एज द मेन वर्ब ऑफ सेंटेंस। हम लोग प्रिंसिपल वर्ब को मेन वर्ब भी कहते हैं। हम एग्जाम्पल जैसे लिखे हैं, ही गेव मी अ बुक, द चाइल्ड वीप्स, ही टोल्ड मी अ स्टोरी। सेंटेंस है ही गेव मी अ बुक। इस सेंटेंस में गेव हमारा क्या है, प्रिंसिपल वर्ब है। द चाइल्ड वीप्स, वीप्स हमारा प्रिंसिपल वर्ब है। ही टोल्ड मी अ स्टोरी, टोल्ड हमारा प्रिंसिपल वर्ब है। ऐसे नंबर टू है लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब जैसे नाम से हम लोग जाने, लिंकिंग वर्ब ये दो सेंटेंस को लिंक करता है या लिंकिंग वर्ब कनेक्ट द सब्जेक्ट टू इट्स प्रेडिकेट। लिंकिंग वर्ब हम लोग उसको कहते हैं जो सब्जेक्ट को प्रेडिकेट से जोड़ता हो। जैसे ही इज अ कॉमेडियन, ही वॉज अ सिंगर। तो ये पहला सेंटेंस जैसे एग्जाम्पल है ही इज अ कॉमेडियन, तो उसमें ही हमारा सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, ए कॉमेडियन, इज अ कॉमेडियन प्रेडिकेट है। तो इज हमारा इसमें लिंकिंग वर्ब है क्योंकि ये सब्जेक्ट को प्रेडिकेट से जोड़ रहा है। इसी प्रकार ही वाज अ सिंगर, वाज हमारा क्या है, लिंकिंग वर्ब है। आगे हम लोग नंबर थर्ड देख रहे हैं एक्सिलरी वर्ब, इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। एक्सिलरी वर्ब आर द वर्ब दैट आर यूज्ड टू मेन वर्ब टू एक्सप्रेस इट्स मीनिंग अकॉर्डिंग विद टेंस। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आई हैव अ डॉग, सी वाज बेकिंग कुकीज। इसमें आई हैव अ डॉग, हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है या एक्सिलरी वर्ब कहिए। सी वाज बेकिंग कुकीज, वाज हमारा एक्सिलरी वर्ब है। नॉन फिनाइट वर्ब, इसके भी तीन टाइप्स होते हैं। पहला क्या है, इन्फिनिटिव्स, दूसरा है जेरंड्स और तीसरा है पार्टिसिपल्स। इसके तीनों टाइप्स के बारे में हम लोग अब अलग अलग पढ़ेंगे विस्तार से। इन्फिनिटिव्स क्या है, तो इन्फिनिटिव्स हमको कहते हैं, द इन्फिनिटिव इज अ बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज ऑफन यूज्ड विद टू और विदाउट टू। विद टू दे आर कॉल्ड एज टू, टू इन्फिनिटिव्स, एंड विदाउट टू दे आर कॉल्ड बेयर इन्फिनिटिव्स। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लिखे हैं, आई वेंट टू मीट माई टीचर, He made me angry। इस सेंटेंस में टू मीट क्या है, हमारा इन्फिनेटिव्स है, तो ये टू लगा हुआ है, टू इन्फिनेटिव्स है, और ये क्या है, बेयर इन्फिनेटिव्स है। जेरंड सेकेंड हम लोग देख रहे हैं, जेरंड तो द आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब विच इज यूज एज नाउन कॉल्ड जेरंड। आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसमें वर्ब में आई एन जी लगाता है और जो नाउन के रूप में यूज होता है उसको हम लोग जेरंड कहते हैं। जैसे रीडिंग इज अ गुड हैबिट, डांसिंग इज गुड फॉर हेल्थ। यहाँ पे रीडिंग और डांसिंग क्या है, हमारा जेरंड है। और नंबर थर्ड है पार्टिसिपल। अ पार्टिसिपल इज अ वर्ड दैट इज फॉर्मड फ्रॉम अ वर्ब एंड एक्ट एज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। पार्टिसिपल के भी तीन टाइप्स होते हैं। पार्टिसिपल के तीन टाइप्स है। पहला टाइप्स क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। अब हम लोग इस पार्टिसिपल्स के तीनों टाइप्स को अगले क्लास में इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।